नमस्कार, ओम शांति। पाथ ऑफ सक्सेस में आपका स्वागत है, मतलब मेरी जीवन की सफलता, उसमें आपका स्वागत है। मित्रों, आज हम पाथ ऑफ सक्सेस, मतलब आज दिन तक हमारे जीवन में कौन कौन सी घटनाएं, कौन कौन सी सफलताएं प्राप्त होती आई है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। आज हमारे इस कार्यक्रम में पधारे हुए कर्नल कृष्ण जी, जो 1960 से 1991 तक आर्मी के जीवन में अपना जीवन सफलता रूप से कार्य करते आए। उसके बाद 30 नवंबर 1991 में उन्होंने इस आर्मी को अपने जीवन को सफलता रूप से समाप्त करके ब्रह्म कुमार जीवन का अथक रूप से धर्मशाला में समर्पित रूप से सेवाएं देते आ रहे हैं। और उनके जीवन की सफलता के बारे में उनसे ही चर्चा करेंगे, ज़्यादा बातचीत ना करते हुए उनसे जानेंगे कि किस तरह से उन्होंने आर्मी में अपने जीवन को सफल बनाया। उसके बाद यह ब्रह्मा कुमारी ज्ञान में धर्मशाला में राजयोग सेंटर में मेडिटेशन करके उन्होंने अपने जीवन में क्या प्रेरणाएं ली, साथ ही उनको देखकर और कोई ने अपने जीवन को सफलता को प्राप्त किया। आइए स्वागत करते हैं कर्नल कृष्ण जी का और उनसे जानने की कोशिश करते हैं। कर्नल कृष्ण जी, आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। ओम शांति। ओम शांति। जैसे कि मैंने बातचीत की कि 1960 से लेके 1991 तक आप आर्मी में अथक रूप से सेवाएं देते आ रहे हैं, मतलब अपने जीवन को सफलता के रूप की तरफ लेके जाए, देश के लिए अपनी सेवाएं की, तो आपने कैसे अपने आप को चुना कि मैं पहले आर्मी में ये सेवा करूं? क्योंकि आजकल डॉक्टरी है, इंजीनियर है और सारे अपना बिजनेस ज्वाइन करते हैं, एजुकेशन है, तो आपने ये आर्मी ही क्यों ज्वाइन की? बहन जी, मैंने 1959 में जी गवर्नमेंट कॉलेज धर्मशाला से बीएससी किया जी। और दो मेरे जीवन में लक्ष्य रहे हैं, या तो मैं जियोलॉजिस्ट बनूंगा, अगर जियोलॉजिस्ट किसी वजह से नहीं बन सका तो मैं आर्मी में जाऊंगा जी। 59 में बीएससी करने के बाद मैं एमएससी एडमिशन के लिए जब चंडीगढ़ गया जी, तो उस वक़्त तक सिर्फ 5 सीटें थी एमएससी के लिए। वो फर्स्ट बैच था पंजाब यूनिवर्सिटी में एमएससी जियोलॉजी का जी। मैं लेट था जी, लेकिन मेरे सबसे अच्छे मार्क्स जियोलॉजी में ही थे जी। तो मेरे को बोला गया कि अभी सीट तो फुल हो गई है, लेकिन आप नेक्स्ट ईयर आ सकते हैं जी। थोड़ा धक्का तो लगा, क्योंकि मेरा फर्स्ट चॉइस जियोलॉजिस्ट ही बनना था जी। घर में आके माताजी से डिस्कस किया मैंने जी, तो माताजी कहने लगी नेक्स्ट ईयर कर लेना जी। इसका मतलब था एक साल मेरे जीवन का व्यर्थ जाने वाला था जी। ये सब सोच समझ के मैंने निर्णय लिया कि मैं अभी नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन जो मेरा आर्मी है, मैं आर्मी में जाऊंगा। हो सकता है डेस्टिनी में मेरे को आर्मी में ही जाना था जी। क्योंकि लाइफस्टाइल बचपन से ही ऐसा था कि सिंपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड और ऐसी लाइफ जीऊं जो कि हम्बल भी हो और देश की सेवा के लिए भी बहुत अच्छी हो जी। और क्योंकि मैं बड़ा हम्बल बैकग्राउंड का था, तो मेरी मन में ये भावना थी कि सिर्फ मैं आर्मी में ऑफिसर ही नहीं बनूंगा, लेकिन ऑफिसर बनने के बाद में मैं बहुत सेवा भी करूंगा जी। इस लक्ष्य से बहन जी आर्मी में चला गया जी। और 1963 जून 1963 में मैं ऑफिसर बन गया। ऑफिसर बनने के मेरे को चॉइस दिया गया कि आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जाएंगे या किसी और टेक्निकल आर्म में जाएंगे। मैंने कहा मैकेनिकल में नहीं जाऊंगा, लेकिन आप मेरे को जहां भेज दें वहीं चले जाऊंगा। मेरे को इन्होंने कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में आर्मी ऑफिसर के लिए सिलेक्ट किया जी। अपने जीवन के मैंने 30 साल एज ए कम्युनिकेशन इंजीनियर काम किया जी। और कम्युनिकेशन इंजीनियर में काम करते भी मेरी ये भावना थी कि ऐसे काम करूं जिससे मैं ऑर्डिनरी ऑफिसर ना बनूं, लेकिन कोई स्पेशल ऑफिसर बनूं।
यूनिट में पहुंचते ही जनरल साहब का फ़ोन आ गया मेरे कमांडिंग ऑफिसर को, तो बोलते ये कैप्टन कृष्ण जो आपके यूनिट में अभी नया आया है जी, इसको मेरे EDC भेज दो जी। मैंने कमांडिंग ऑफिसर को बोला मैं एक टेक्निकल ऑफिसर हूँ और आप मेरे को जनरल ड्यूटीज़ के लिए EDC के लिए भेज रहे हैं जी। तो जनरल साहब ने कहा कृष्ण मैं जनरल की नौकरी करता हूँ, फौज की नौकरी करता हूँ, तेरी नौकरी नहीं करता हूँ, तेरे को जाना ही पड़ेगा जी, जी। कोई बात नहीं, मैं चला गया, EDC बन गया। लेकिन जब मैंने देखा कि उस जनरल साहब का उधर से ट्रांसफ़र हुआ तो दूसरा जनरल आया कमांडिंग ऑफिसर को, फिर फ़ोन आया कि कृष्ण को मेरा EDC भेज दो जी। फिर चला गया मैं, वो जनरल भी 2 महीने के बाद मेडिकली इवैक्यूएट हो गया हार्ट केस में जी। तो मेरे को बोला गया कि तीसरा जनरल आ रहा, आप उसका भी EDC करोगे। मैं थोड़ा अच्छा नहीं लगा मेरे को, क्योंकि मैं चाहता था कि मैं अपने ही जो मेरा लाइन है उसमें मैं प्रोफिशिएंसी गेन करूं। ऐसी किस्मत की बात है कि हमारी यूनिट में एक पैराट्रूपर पोस्ट आया, मेजर साहब आए आगरा से जी। वो पैराट्रूपर था जी। मैंने मेजर साहब को बोला मेजर साहब ये बताओ मैं पैराट्रूपर बन सकता हूँ? बोलता कृष्ण तेरे को पैराट्रूपर बनना है? मैंने कहा हाँ। मेरा नाम भेज दिया गया वॉलंटियर में, और बहन जी 1 महीने के अंदर में मेरा 4th with posting आ गया। मैंने उम्मीद नहीं किया था कि मैं 4th with posting जाऊंगा, क्योंकि टाइम देते हैं जी, जी। मेरे कमांडिंग ऑफिसर मेरे पास आए, कहने लगे कृष्ण तू 3 महीने मेरे पास रुक जा, मैं तेरे को मेजर बना दूंगा, तू मत जा मेरे को छोड़ के पैरा ब्रिगेड में मत जा जी। मैंने बोला अपने कमांडिंग ऑफिसर को सर मेजर तो मैं फिर भी बन जाऊंगा, लेकिन पैराट्रूपर नहीं बन सकूंगा अगर अभी नहीं गया तो। और बहन जी मैं वॉलेंटियर होके पैरा ब्रिगेड के लिए पोस्ट हो गया। उस वक़्त पैरा ब्रिगेड कच्छ और भुज में ऑपरेशन कर रहे थे और वापस आ रहे थे, भुज का ऑपरेशन ख़त्म हो गया था। पैरा ब्रिगेड ज्वाइन किया, पैराट्रूपर बन गया। उसके 1 साल बाद 65 में पाकिस्तान वार शुरू हो गया, तो उस वार में मैं लाहौर सेक्टर में लड़ाई की मैंने एज ए पैराट्रूपर। उसके बाद सीज फायर हुआ, सीज फायर के बाद हुसैनीवाला सेक्टर में गए फिरोजपुर में हम, वो करने के बाद वापस पैरा ब्रिगेड में आए और मेरा कोर्स आ गया, टेक्निकल कोर्स आ गया मऊ में जी। 6 महीने का मैंने कोर्स किया वो, और मेरी पोस्टिंग हो गई बहन जी लेह लद्दाख में। तो लेह लद्दाख में जहाँ पर 1996 में कारगिल वार हुआ जी, 98 में कारगिल वार हुआ, उस जगह में मैं पहले सर्विस कर चुका था एज ए मेजर। मैंने कम्युनिकेशन प्रोवाइड किया था पाकिस्तान बॉर्डर तक, कारगिल से लेके ले तक, और कारगिल से लेकर श्रीनगर तक कम्युनिकेशन की जिम्मेवारी मेरी थी। बहुत अच्छा काम किया मैंने उधर और इन्जॉय भी किया। उसके बाद मेरे को कमांडिंग ऑफिसर ने कारगिल से ले में बुला लिया, बोलने लगा कृष्ण तू मेरे पास आ जा। मैं इंडिपेंडेंट कमांड कर रहा था एज ए मेजर, 6 साल में मैं आ गया वापस। बोलने लगा तेरे को कम्युनिकेशन प्रोवाइड करना है ले से रोहतांग तक, और वो पेंडिंग था पिछले 2-3 साल से, वो प्रोजेक्ट पेंडिंग था और होता था 2-3 महीने काम होता था, क्योंकि जब रेन स्नोफॉल शुरू हो जाता था तो सभी पासिस बंद हो जाते थे। तो मेरे को बोला गया कृष्ण तेरा टारगेट है रोहतांग पास तक कम्युनिकेशन देना है। मैंने कहा सर आई विल ट्राई माई बेस्ट। बहन जी परमात्मा की कृपा है ऐसी हुई कि 6 महीने के पीरियड में मैंने रोहतांग तक कम्युनिकेशन प्रोवाइड कर दिया। वो सब करने के बाद सब खुश हुए मेरे हाई कमांड में जितने भी थे जी। और कहने लगे इसको चॉइस पोस्टिंग दिया जाए। मेरे को फिर ले से
ये मद्रास में पोस्टिंग कर दिया एज ए चॉइस पोस्टिंग एज ए इंडिपेंडेंट कमांड। लेकिन ले में ऐसी बात थी वे बैक 71, 72, 69 में कि जब तक फ्लाइट आता था कभी फ्लाइट 15 दिन आएगा कभी फ्लाइट 15 दिन नहीं आएगा लैंड नहीं करेगा तो मैं फोर्थ फिफ्थ पोस्टिंग होने के बाद भी नहीं जा सका और मेरे को उन्होंने फिर जबलपुर में पोस्ट कर दिया। जबलपुर में 3 साल मैंने फौजियों को बहुत ट्रेनिंग दी। वो सेंटर था सिग्नल कम्युनिकेशन का सेंटर था। 3 साल मैंने उधर अच्छी तरह कम्युनिकेशन प्रोवाइड किया ट्रेनिंग प्रोवाइड की और 71 वार शुरू हो गया था। बहुत रिक्रूटमेंट हुई और बहुत ट्रेनिंग ज़बरदस्त हुई क्योंकि 71 वार के लिए हमको बहुत फौज बॉर्डर में भेजने थे। ये सब कुछ करने के बाद फिर मेरी पोस्टिंग हुई फिरोजपुर में एज ए कंपनी कमांडर एक डिव हेडक्वार्टर के अंदर में। उसमें मैंने सिर्फ 1 साल ही नौकरी की जी। उसमें फिर एक दिन सिग्नल आ गया कि एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन में एक मेजर चाहिए कोर ऑफ सिग्नल से जी। फिर मैंने कमांडिंग ऑफिसर को बोला कि सर मेरा नाम भेज दो मैं कोई हाई फाई ऑफिसर नहीं हूँ एक ही ऑफिसर चाहिए कोर ऑफ सिग्नल से मेरा नाम आने का मतलब ही पैदा नहीं होता जी। सीओ पता नहीं बड़ा कॉन्फिडेंट था बोलता कृष्ण तेरी पोस्टिंग आ जाएगी। मैंने कहा सर भेज तो दो देखते हैं और वही हाल हुआ बहन जी फोर्थ फिफ्थ पोस्टिंग आ गई जी। और मैंने एक सीक्रेट सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में 3 साल नौकरी की जी। उस ऑर्गेनाइजेशन में भगवान की ऐसी कृपा हुई ऐसे मेरे से काम हो गए कि उन्होंने मेरे को आउट ऑफ टर्न प्रमोशन के लिए सिलेक्ट कर दिया। नेवल हेडक्वार्टर दिल्ली में मैंने 2 साल एज ए लेफ्टिनेंट कर्नल नौकरी की जी। और अच्छा अनुभव गेन किया और क्योंकि दिल्ली में नौकरी थी तो दिल्ली का कनेक्शन थ्रू आउट दी कंट्री है सभी से जान पहचान अच्छी हो गई। उसके बाद उन्होंने मेरे को फॉर्मल एक कमांड के लिए तेजपुर भेज दिया चाइना बॉर्डर में जी। तो 3 साल मैंने कमांड की चाइना बॉर्डर में जी। और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस गेन किया फौज की बहुत सेवा की जी। नाम अच्छा लिया कमाया जी। फिर उसके बाद बोलने लगे कि मैंने बोला अभी कहाँ भेज रहे हो मेरे को तो बोलने लगे कृष्ण तेरे को सदर्न कमांड में जाना पड़ेगा। मैंने कहा क्या अपॉइंटमेंट क्या दे रहे हो बोल रहे हैं तो तेरे को स्टाफ में जाना पड़ेगा अगर तेरे को कमांड करना है सेकंड कमांड करना है तो तेरे को कमांड भी मिल सकता है सदर्न कमांड में। मैंने बोला जगह का नाम बताओ बोलने लगे गोवा। मैंने कहा आई एम ए गेम मैं सेकेंड कमांड कर लूँगा क्योंकि कमांड करना बड़ा मुश्किल होता है वैन जी फौज के लिए क्योंकि कमांड में जवाबदारी बड़ी होती है। तो मैं 3 साल फिर मैंने गोवा में कमांड किया और वह मैं वॉलेंटियर होकर इसलिए गया कि बहन जी बेरोजगारी इतनी ज़्यादा है हमारे देश में जब भी मैं छुट्टी आता था घर में तो घर में मेरी लाइन लग जाती थी कर्नल साहब हमको नौकरी चाहिए हमको आर्मी में भर्ती करो। तो जब ये मेरे को मौका मिला गोवा जाने का तो मैंने बहन जी बहुत लोग भर्ती किए इतने लोग भर्ती किए कि आर्मी हेडक्वार्टर तक अनोनिमस लेटर किसी ने लिख दिया जो मेरे से जेलस था कि ये कर रहा है हम नहीं कर सकते। इंक्वायरी हुई क्योंकि सब कुछ साफ सुथरा था सच्चा था पवित्र था कुछ नहीं हुआ। और आज तक भी जो मैंने भर्ती किए हैं वो मेरे को बहुत याद करते हैं बहुत सेवा करते हैं। इस बुढ़ापे में मेरे को बड़ा अच्छा लगता है कि मैंने अपने फौजी लाइफ का ऐसा भी दौर निकाला कि मैं किसी के घर के रोजगारी दे सका। फिर लास्ट में बहन जी 88 में मेरी वाइफ को अस्थमेटिक अटैक हुआ गोवा में।
तो डॉक्टर बोलने लगा कि शीश और अस्थमा के लिए ठीक नहीं है जी, इसलिए आप कहीं ऐसे जगह में जाओ जहाँ पर ह्यूमिडिटी कम हो। फिर आर्मी हेडक्वार्टर को मैंने रिक्वेस्ट किया, मैंने कहा टेल मी वेयर शुड यू वॉन्ट टू प्लांट मी। बोलने लगा कृष्ण तेरे को एक और कमांड करना है। मैंने कहा वेयर? बोलता योल कैम्प मेरे घर के पास ही, मेरा घर योल कैम्प मेरे घर से 2 किलोमीटर दूर था। मैंने कहा आई एम ए गेम। तो मैंने मिलिट्री पुलिस का जो यूनिट है आर्मी में मिलिट्री पुलिस होता है उसका कमांड किया मैंने 2 साल जी, 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 और यहीं से रिटायर हुआ मैं। बिल्कुल, जैसे आपने कहा कि आप 30 नवंबर 1991 में रिटायर हो गए, लेकिन उसके बीच में गैप आ जाता है 2012, तो उस दौरान आपने क्या किया? फिर आपने कहा कि मैंने 2012 में ब्रह्मा कुमारी राजयोग मेडिटेशन और ज्ञान लिया, तो वो बीच का जो समय था उस समय आपने क्या सोचा कि अब मुझे क्या वर्क करना है? बहन जी ये भी डेस्टिनी का खेल है जी, विच इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। मैं जब घर में आया तो मेरा एक नेफ्यू है, ही वाज ए टीचर जी, ये रेजिडेंशियल स्कूल डलहौजी में वो टीचर था जी। आई डोंट नो उसके मन में क्या आया, बोलता मामा जी आप ना स्कूल की बहुत बच्चों की बहुत सेवा कर सकते हैं। मैंने कहा हाउ कम यू आर सो कॉन्फिडेंट? बोलते नहीं आई हैव सीन योर नेचर, आप बहुत सेवा कर सकते हैं। तो केस यहाँ पर क्लोज हो गया, मैंने कुछ नहीं किया जी। मेरे रिलेशन है काठमांडू में जी, तो मेरी बहन अपनी पोती को रेजिडेंशियल स्कूल में डालना चाहती थी जी। उसने मेरे को कांटेक्ट किया कि भैया मेरे को अपनी पोती को जुलॉजी रेजिडेंशियल स्कूल में डालना है। मैंने कहा बहन जी आ जाओ हम चल पड़ेंगे एडमिशन के लिए। तो उस बिटिया को लेके मैं डलहौजी हिल टॉप स्कूल में गया उसके एडमिशन के लिए जी। एडमिशन तो हो गई, बात करते करते स्कूल का जो डायरेक्टर और ओनर था वो बोलने लगे कर्ण साहब आप करते क्या हो? मैंने कहा आई एम स्पेंडिंग माई रिटायर्ड लाइफ, आई एम एंजॉयिंग लुकिंग आफ्टर माई चिल्ड्रन, लुकिंग आफ्टर माई फैमिली, घर बार जो मेरा निग्लेक्ट था थ्रू आउट माई सर्विस उसको रेनोवेट कर रहा हूँ, ठीक कर रहा हूँ। बोलते हाउ अबाउट ज्वाइनिंग आवर स्कूल? मैंने कहा धवन साहब वट इज़ योर रिक्वायरमेंट एंड वट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम मी? बोलते कर्ण कृष्ण आई वॉन्ट यू टू गिव लॉट्स ऑफ लव टू चिल्ड्रन। मैंने कहा मिस्टर धवन भगवान ने इतना प्यार मेरे मन में भरा हुआ है कि मैं दे दे के नहीं थक सकता और इसमें आई एम ए गेम। मैंने बोला इफ़ यू वॉन्ट मी टू ज्वाइन योर स्कूल आई विल एक्सपेक्ट यू टू पे मी एज मच एज आई गेट माई पेंशन, नथिंग लेस देन दैट। बोलोगे यू हैव टू मेंटेन माई प्राइड एंड डिग्निटी, इफ यू कैन अफोर्ड दिस जस्ट रिलैक्स आई लुक आफ्टर चिल्ड्रन। तो बहन जी ऐसे में स्कूल में ज्वाइन किया एंड आई इंजॉयड 7 ईयर्स ब्यूटिफुल लाइफ विद द चिल्ड्रन। अभी भी वो बच्चे मेरे को याद करते हैं, आई एम इन कॉन्टैक्ट, आई एम इन फैमिली रिलेशनशिप विद देम एंड नॉट ओनली इन रिलेशनशिप, जो ज्ञान मैंने ब्रह्मा कुमारी में मेरे को मिला है जी, बाबा ने दिया है जी, वो मैं उन बच्चों को ट्रांसमिट करता हूँ एनी फॉर्म जी। तो आपने जैसे आपने कहा कि आपने आपको ये ज्ञान मिला, आपको दो चीजें हैं इस ब्रह्मा कुमारी में, एक तो ज्ञान है एक है मेडिटेशन। आजकल की दुनिया के हिसाब से मेडिटेशन अलग है और एक है मेडिटेशन, मतलब एक है राज योगा एक है योग, योग है अपनी बॉडी के, तो दोनों में क्या डिफरेंट नजर आता है आपको? बहन जी योग के बिना तो ज्ञान हो ही नहीं सकता है जी, जो मैंने महसूस किया हुआ है। बिल्कुल, जब तक परमपिता परमेश्वर से मेरा प्यार ना हो, मेरा लगन ना हो और उसके
याद में मैं खो ना जाऊं, मैं मेडिटेशन कर ही नहीं सकता। तो मेरी शुरुआत तो वैसे बचपन से ही बाबा की बहुत कृपा हुई है मेरे पास। मैंने आई एम फ्रॉम वेरी ऑर्डिनरी फैमिली, लेकिन कभी बहन जी मैंने ये महसूस नहीं किया कि मैं ऑर्डिनरी फैमिली का हूं। जब कुछ भी नहीं था मेरे पास, तब भी मैं यही जानता था कि मैं एक स्पेशल बच्चा हूं भगवान का। जी। ये सोच मेरी बचपन से ही रही है, लेकिन इस सोच में थोड़ी डाइल्यूशन आ गई। वो क्या? जब फौज में चला गया, फौज के रस्म रिवाज निभाने लगा, तो थोड़ा मैं कैजुअल हो गया बहन जी। जो मेरे में विल पावर डिटर्मिनेशन एज ए चाइल्ड थी कि मैं कुछ भी कर सकता हूं, कुछ भी कमा सकता हूं, कुछ भी गेन कर सकता हूं, मेरे लिए कुछ भी मुश्किल नहीं था, जी, वो थोड़ा धुंधला पड़ गया। और उसका एक मेन रीजन है, जब मैं ऑफिसर बन के गया तो मेरे को बोलने लगे, मैं लेफ्टिनेंट था, बोलते लेफ्टिनेंट को मिस्टर बोलते, मिस्टर कृष्ण हियर यू ड्रिंक ऑन योर टेबल, आइदर यू ड्रिंक और वील पोर दिस ड्रिंक ऑन योर हेड। मेरे जमाने में ऐसी लैंग्वेज होती थी एंड वी यूज्ड टू एक्सेप्ट इट, हमारे लिए बहुत नॉर्मल था। जी। मैं हाइंड साइड ऑफ लाइफ जब देखता हूं, आई विश उस जमाने में मैंने ये डिसीजन लिया होता कि मेरा सेल्फ रिस्पेक्ट सिर के ऊपर बेर चलने से खत्म नहीं हो सकता। अगर ये ले लिया होता, आई वुड हैव बीन अ डिफरेंट पर्सन दैट टाइम। आई एम अ डिफरेंट पर्सन नाउ बाबा का ज्ञान के बाद। तो मैंने वो बेर पी ली, और बहन जी एक बार पी लो तो फिर इतने में खत्म नहीं हुआ। चाइना बॉर्डर में था, और हमारे जमाने में जब मैं फौज में गया तो यूनिफॉर्म वगैरह बहुत ऑर्डिनरी वगैरह थे, आजकल तो बहुत हाईफाई हो गया है। मैंने अपने सीनियर ऑफिसर को पूछा, मैंने कहा मैं रात में जब ड्यूटी देता हूं, और सारा रात ड्यूटी देना पड़ता था कम्युनिकेशन में, क्योंकि शाम को बैठूंगा तो सवेरे 8 बजे रिलीव होऊंगा, 12-13 घंटे 14 घंटे करना पड़ता था, कैसे आप लोग ये ठंड से बचते हो? किसी ने बोला, कृष्ण सिगरेट पी, सिगरेट पीने से थोड़ा गर्माइश आ जाती है। मैंने एक डब्बी पानामा के लिए, उस जमाने में 20 सिगरेट का एक पैकेट होता था, सवेरे तक बहन जी मेरे को उल्टियां आ गई, चक्कर आ गया, लेकिन गर्मी नहीं आई। मैंने बोला, भाई मेरे को तो सब कुछ हुआ लेकिन गर्मी नहीं आई, आप तो कहते हो सिगरेट पियो। बोलता तो अच्छा ऐसी बात है, तो शाम को जब मैस में ड्यूटी में नहीं होता है तो एक पैक ड्रिंक ले ले, उससे भी गर्माइश आ जाती है। क्योंकि बहुत ऑर्डिनरी कंडीशंस थे उस वक्त आर्मी में, और जीना काफी टफ था, लेकिन आई वॉज ब्रॉट अप इन दैट टफ एटमोसफेयर, मेरे को कुछ नहीं टफ लगता था, मैं दैट वॉज वेरी ऑर्डिनरी फॉर मी। तो फिर ड्रिंक भी लेना शुरू कर दिया। तो ये दोनों चीजों से मेरा जो डिटर्मिनेशन विल पावर में थोड़ा धक्का लग गया। जी। वो कुछ नहीं होता वाली जो बात होती है ना, चलता चलेगा, वो चलेगा वाला बात इज जो है, उसने मेरे जो मनोबल को थोड़ा कमजोर कर दिया। विच आई हैव रिगेन नो बिकॉज फॉर द लास्ट जब मैंने हिल टॉप स्कूल में था तो मेरी वाइफ कैंसर पेशेंट हो गई थी, एंड मैंने बोला कि आई कांट आइदर आई लुक आफ्टर दी चिल्ड्रन और आई लुक आफ्टर माई फैमिली। तो बोलने के कारण, कृष्ण आप परिवार को देखने चले जाओ, बट यू विल कम बैक। इट सो हैपन बहन जी की 6 महीने के अंदर में मेरे युगल ने शरीर छोड़ दिया, और 2001 मई में शी लेफ्ट दिस फिजिकल वर्ल्ड। उसके बाद फिर मैं फ्री हो गया, फिर स्कूल वाले घर आ गए, बोले कॉन्क्रेशन नाउ यू अगेन ज्वाइन अस। तो फिर गया मैं,
लेकिन ज़्यादा देर नहीं रहा मैं उधर, क्योंकि आई वॉज रियलाइजिंग इन द एब्सेंस ऑफ माई वाइफ घर निगलेक्ट हो रहा था, बच्चे निगलेक्ट हो रहे थे, तो मेरा घर में आना बड़ा ज़रूरी था। तो यहाँ पर आपकी बात को थोड़ा रोकते हुए बस सिर्फ एक लास्ट मेरा एक क्वेश्चन है आपसे कि आपने मेडिटेशन किया, आपके अंदर कुछ परिवर्तन आया, तो मेडिटेशन राजयोग मेडिटेशन के जो एक मैसेज होता है वो एक यूथ को क्या मैसेज देना चाहते हैं? पहली बात तो बहन जी मैं ये बताना चाहूँगा कि जब से मैं ब्रह्मा कुमार बना हूँ, खास तौर पर बच्चों को और यूथ को मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा विश्वास हो गया है। जब वो सब जगह से निराश हो के थक जाते हैं तो मेरे पास गाइडेंस लेने के लिए आते हैं। तो मैं योग के बारे में, मेडिटेशन के बारे में, ज्ञान के बारे में, धारणा के बारे में इन बच्चों को प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी देता हूँ और गाइड भी करता हूँ। इतना ही मैं ख़त्म नहीं करता हूँ, मैं इनको मनसा सेवा भी बहुत करता हूँ। और ऐसे भी बच्चे हैं जो बिल्कुल निराश हो गए थे और आज अफसर बने हुए हैं, अच्छे अच्छे फील्ड में हैं। डेली जो भी अच्छे अच्छे ज्ञान के पॉइंट्स, सोल सस्टेनेंस के मैसेज मेरे पास आते हैं, मैं बहुत बच्चों को डेली देता हूँ और उनसे वार्तालाप भी करता हूँ जब मेरे से मिलते हैं, और गाइडेंस भी करता हूँ और कोशिश करता हूँ कि उनका मोटिवेशन और विल पावर बढ़े। जी बहुत अच्छा। आप रिटायर होने के बाद भी आप अथक रूप से सेवाएं दे रहे हैं, हमें बहुत खुशी हुई कि राजयोग मेडिटेशन के द्वारा आप यूथ को भी वो मैसेज देते हैं। आप हमारे इस पाथ ऑफ सक्सेस में अपनी सफलता की कहानी लेके आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी। धन्यवाद बहन जी। जी।